नमस्कार, मैं एक तो और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय हम मौजूद हैं श्यामा हरि इंटरप्राइजेज में, जहां वाहन वितरण कार्यक्रम चल रहा है, जहां समाजवादी महासचिव शिवपाल यादव द्वारा उद्घाटन हुआ और आए हुए मेहमान पदाधिकारियों से बात करते, साथ में आए हुए मेहमान से बात करते, किस तरह से वाहन के बारे में जानते, इस कार्यक्रम के बारे में जानते। आइए चलते और सभी से बात करते आप भी आ जाइए सर, आ जाइए आप। सर, क्या कहना चाहेंगे जो आज कार्यक्रम रहा और क्या कहना चाहेंगे श्यामा हरि इंटरप्राइज? देखिए, ब्रजेश मिश्रा जी ने यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉनिक, तो ये बहुत अच्छा है। एक तो बहुत किफ़ायत से चलेगी ये, तो ये और पूरे उत्तर प्रदेश की एजेंसी इनको मिली है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये एक बार को पूरे का ये प्रचार करेंगे और सबको सुविधाएं मिलेंगी। पेट्रोल के दाम बढ़ रहा है तो कितना अच्छा रहेगा? तो बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रिक से चलेगी ये, तो बहुत किफायत से चलेगी। तो सर क्या कहेंगे, ये भारत की पहली नव निर्मित है जिसका आपने शुभारंभ किया है लखनऊ की राजधानी? हाँ, लखनऊ की राजधानी में क्या, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है जी। लखनऊ में ये इनको जो शॉप इन्होंने खोला है, तो यहीं से पूरे उत्तर प्रदेश के हर 75 जिलों में ये इसकी सबको ये एजेंसियाँ देंगे और सब पूरा चलाएंगे लोग। उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। बहुत बढ़िया, हमारी शुभकामनाएं हैं, ब्रजेश जी बहुत उन्नत करें, पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे इंडिया तक फैल जाए। तो जानते हैं सर से कि बाइक के बारे में, जिसका उद्घाटन कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है, सर क्या कहना चाहेंगे, उसमें क्या खासियत है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा स्कूटर है ये पूर्ण तरीके से भारत में निर्मित है, 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। हम पुणे बेस्ड आईवूमी इलेक्ट्रिक स्कूटर के नाम से हमारा कंपनी है, जिसका ये जीत एक्स मॉडल है और ये हमारा प्रीमियम मॉडल है, जिसमें बहुत सारे प्रीमियम फीचर आते हैं, जैसे कि रिमोट लॉकिंग, रिमोट से कीलेस स्टार्ट, अनलॉक, लॉक, गाड़ी की सेफ्टी के लिए, मतलब कोई भी अगर आप गाड़ी को लॉक कर देंगे गाड़ी को चुरा नहीं सकता, डिजिटल मीटर, 75 से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, एक चार्जिंग में 220 प्लस की रेंज, 3 साल का बैटरी का वारंटी, 2 साल मोटर का वारंटी और 1 साल पूरी गाड़ी का वारंटी। भारत में निर्मित 100% संपूर्ण प्रोडक्ट है, परफॉर्मेंस में दमदार है। हमारे गाड़ियों में फाइनेंस की भी आपको 100% फाइनेंस की पूरी सुविधा मिलेगी। हमारे साथ मेजर बैंक ICICI, मन्नापुरम, L&T फाइनेंस, SDB, बजाज फिनसर्व, सारे बैंक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो आप लोगों से आशा करता हूँ कि सब लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें और चलाएँ और पैसा बचाएँ। धन्यवाद। कहेंगे आज जो भारत की पहली नव निर्मित जो है बैटरी बाइक का शुभारंभ हुआ है लखनऊ में, क्या कहेंगे? ये सबसे अच्छा है और आज के समय को देखते हुए ये खाली लखनऊ ही नहीं, हम तो इस आशा से उन्नाव से देखने के लिए आए थे इस बाइक को, और हमने पहले ही ब्रजेश जी से पूछा इसकी कास्ट कितनी निकल के आई, तो इन्होंने कहा 85,000 से स्टार्ट है, कम है, बहुत बढ़िया है। और इससे लोगों की आशाएं हैं, क्योंकि भविष्य में ईंधन नहीं मिलने को है, पेट्रोल मिलने को नहीं है, तो जब पेट्रोल की ये सब समस्याएं हैं उनमें ये इलेक्ट्रॉनिक जो चलेगा वो बहुत ही सफल होगा, और हमारी समझ में खाली लखनऊ नहीं उत्तर प्रदेश में भी इसका नाम चलेगा। इनसे हम निवेदन करेंगे कि ये जगह हमसे उन्नाव मिलें और थोड़ा सा यहाँ का प्रकाश वहाँ भी डालें, चूँकि हम धीरे धीरे बढ़ना इन्हीं से लोग सीखेंगे और ये सफल होंगे, इनके लिए हमारी शुभकामनाएँ। ऐसा है, ब्रजेश मिश्रा जी हमारे मंडल के हैं, हमारे पड़ोसी हैं, और उन्होंने प्रदेशवासियों के हित में एक अच्छा काम किया है, इसके लिए बधाई। और मुझे उम्मीद है कि इनका यह कार्य पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के काम आएगा, लोग खुशहाल बनेंगे और उत्तर प्रदेश प्रदूषण मुक्त जो करने का जो इन्होंने प्रयास किया है सराहनीय है, इसके लिए बधाई और शुभकामनाएँ। समाजवादी पार्टी के एक और कद्दावर नेता हरिशंकर यादव हैं, क्या कहेंगे सर? भाई हमारे ब्रजेश छोटे भाई जो आज शुभारंभ किए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी
और शुक्ला जी सब बता चुके हैं, बहुत अति उत्तम बेरोजगारों के लिए। अब ये डीजल पेट्रोल नहीं तो इलेक्ट्रिक गाड़ी सस्ती भी है, बहुत अति उत्तम है। सुबह कहीं ना कहीं इस गाड़ी से प्रदूषण कम होने वाला, बहुत 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 कम होने वाला है। तो जैसे श्यामा हर इंटरप्राइजेस का वाहन वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ, आज हमारे समाजवादी चिंतक दीपक मिश्रा जी उनसे पूछते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में और किस तरह देखते हैं सर ये जो कार्यक्रम हुआ है? देखिए, आज हमारे देश में दो तरह की लड़ाई चल रही है, देसी तकनीक, देसी पूंजी बनाम विदेशी पूंजी। दुनिया में जितने भी विकास हुए हैं, बड़े विकास, सब उस देश की उद्योगपतियों के द्वारा, उनके श्रम द्वारा, उनकी पूंजी में किया गया है। तो शिवपाल सिंह जी और हर समाजवादी, डॉक्टर लोहिया और जेपी के ज़माने से देसी पूंजी, देसी तकनीकी और देसी उद्यमों का समर्थक रहा है। तो हम लोग को पता चला कि देसी तकनीक पर आधारित आज स्कूटी की कंपनी का यहाँ पे शोरूम का लोकार्पण है, तो हम लोग आए। और एक चीज़ और बता दें, आज जो हमारे देश में आर्थिक विषमता है, एक तरफ हम अरबपतियों के मामले में तीसरे स्थान पर हैं, प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम 142वें स्थान पे हैं। ये अंतर तभी घटेगा जब देश के उद्यम को बल मिलेगा, और इसलिए यह तो देश का काम था, इसलिए शिवपाल सिंह जी ने इसका लोकार्पण किया। और इस कंपनी के पदाधिकारियों को, भाई ब्रजेश जी को मेरी शुभकामनाएँ हैं कि फूले और फले। लोगों से पूछते जानते सर क्या कहना चाहेंगे, इतना सारा आशीर्वाद मिला, शुभकामनाएं मिली। मैं तो बहुत अपने आप को धन्यवाद कहूँगा और बहुत सौभाग्यशाली कहूँगा कि आज ऐसे महान भाव का दर्शन भी हुआ और उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और मैंने एक नया काम शुरू किया है जो इलेक्ट्रिक स्कूटर का काम है, टोटल इंडिया में निर्मित है, कोई इसमें चाइनीज प्रोडक्ट नहीं है। मैं तो सबसे आग्रह करूँगा कि पूरे 75 जिला में सभी लोग अपना जो है इन्वेस्ट करके एक बढ़िया सा शोरूम बनावें और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमाएं इससे। जिस तरह से हमारे ब्रजेश भाई ने इसकी शुरुआत की है कि टोटल पूरी तरह से स्वदेशी स्कूटी के जो शुरुआत है, वो एक हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज जिस तरह से हम लोग बिजली की कटौती और इन सब चीज़ों से गुज़र रहे हैं, तेल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, आज इन्होंने जो शुरुआत की है ये पूरे हिंदुस्तान में ये फैलेगी। क्योंकि ये जो अभी मैंने आपसे ही पता किया कि जो इसकी रेंज जो है 150 से 200 किलोमीटर है एक बार चार्जिंग में, और जितने भी इसके पुर्जे कल पुर्जे हैं सब भारत में निर्मित हैं। तो हम लोग स्वदेशीकरण पे जोर दे रहे हैं, मैं फौजी रहा हूँ और हमारे टाइम से 1991 से हवाई जहाज़ में भी हम लोगों ने स्वदेशीकरण शुरू किया था, और अब वो स्कूटी तक पहुंच गया है, इलेक्ट्रिक वाहन तक पहुंच गया है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस प्रदेश की जनता की तरफ से और लखनऊ की जनता की तरफ से कि एक उन्होंने अच्छी शुरुआत की है और हम लोग स्वदेशीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ब्रजेश जी के बड़े भाई आज हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं उनके लिए कितना बड़ा दिन है आज, जहाँ शिवपाल यादव द्वारा आज उद्घाटन हुआ, आए हुए मेहमान भी रहे, कैसा रहा कार्यक्रम और क्या क्या खास रहा? पहली बात तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने समय दिया, ये अच्छी बात है, और माननीय शिवपाल जी ने अपना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। पहली बार हिंदुस्तान की बनी हुई, अपने देश की बनी हुई बाइक और मार्केट में जाएगी, पूरे उत्तर प्रदेश का CNDF है, जो डीलर लेना चाहेंगे हमसे संपर्क करेंगे, छोटे भाई से संपर्क करेंगे या कंपनी का अपना वेबसाइट है उस पर संपर्क करेंगे तो उनको डीलरशिप मिलेगी, पेट्रोल की बचत होगी, प्रदूषण कम होगा। और उन्होंने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद, और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेहमानों से पूछते हैं कैसा कार्यक्रम, क्या कहना चाहेंगे सर, परिचय साथ? मैं BP श्रीवास्तव और मैं उत्तर प्रदेश जो है डिप्लॉय इंजीनियर महासंघ का जो है महासचिव रह चुका हूँ, और यहाँ आने पे बड़ा अच्छा लगा, ये नया स्कूटी का जो प्रोग्राम आया है इलेक्ट्रिक का, ब्रजेश मिश्रा जी ने जो खोला है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, और मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।
स्वदेशी के जब स्वदेशी सुनाई देता तो कैसा लगता है? हाँ, अपने देश का मेक इन इंडिया स्वदेशी से बहुत ही गर्व महसूस होता है कि जो है ये हमारे देश का बना हुआ है। अभी तक जो ये गुलामी मानसिकता पड़ी हुई थी तो उससे ऊँचे उठ कर जब हम चांद पे पहुँच गए तो इससे ज़्यादा और मेक इन इंडिया क्या हो सकता है। और ये हमारी जो है जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मेक इन इंडिया के जो भी आ रहे हैं ये हम लोगों की बहुत गौरव की बात है और जो है जीवन में इसको धारण प्राप्त करने की बात है।